दोस्तों मान लीजिए आप मकान मालिक हैं और आपके घर के ऊपर कोई रहने के लिए आया है, रेंट पे आपने कोई कमरा दिया है और आपको आपने उस मेंबर के वेरिफिकेशन के लिए उससे उसका आधार कार्ड मांगा है और उसने अपना आधार कार्ड आपको दिया है, लेकिन फिर भी आपको उसके आधार कार्ड पे डाउट है, आपको शक है कि ये आधार कार्ड जेन्युइन नहीं है या उसने फर्जी बनाया है या कुछ उसने एडिट किया हुआ है, तो आप उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन जाके, ताकि आपके मन का डाउट जो वो खत्म हो सके। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। मेरा नाम है बीरपाल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीरपाल सिंह टॉक्स। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सकें। और दोस्तों मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि कैसे आप ऑनलाइन जाके अपने आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे आप आधार कार्ड को ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं खुद। दोस्तों सबसे पहले आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा। इस वेबसाइट के ऊपर जाके आपको माई आधार टैब के ऊपर क्लिक करना है और आधार सर्विसेज के ऊपर जाके आपको वेरीफाई एन आधार नंबर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद जिस भी मेंबर ने आपको अपना आधार कार्ड दिया है या आपका खुद का आपका वेब आधार कार्ड है, आप अपने आधार कार्ड को भी वेरीफाई कर सकते हो। और एक यहाँ पे एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि कई बार क्या होता है, आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करके भूल जाते हो कि मैंने कौन सा अपडेट किया था, या आपको अपना पैन कार्ड बनवाना है तो उसके लिए भी आजकल आधार कार्ड के थ्रू सिस्टम शुरू हो गया पैन कार्ड बनवाने का, बट OTP आता है आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर के ऊपर। तो इस वाले ऑप्शन के साथ में आप जाके अपना कौन सा मोबाइल नंबर अटैच है मेरे आधार कार्ड के साथ ये भी चेक कर सकते हैं और दूसरे का भी आधार कार्ड वेरीफाई कर सकते हैं कि उसने जो आधार कार्ड नंबर दिया है या उसकी जो डिटेल्स हैं वो वाकई में जेन्युइन है या नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे आधार कार्ड नंबर डालना है, मैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल रहा हूँ, आप अपना डालिएगा। ये मैंने अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद ये कैप्चा है, बिल्कुल सेम टू सेम फिल करना है जी। और उसके बाद आपने प्रोसीड टू वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों और इस पे क्लिक करने के बाद आपको देखिएगा क्या पता चलता है, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि करोड़ों लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है, उसमें से डाटा फैच करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है UIDAI वेबसाइट के थ्रू या गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपना प्लस किसी और का भी आधार कार्ड वेरीफाई इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं और सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगा कि जिस मेंबर ने आपको आधार कार्ड दिया है वो बंदा जेन्युइन है या फ्रॉड उसने अपना आधार कार्ड आपको दिया है या क्या चीज़ है। ये देखिए दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लिखा होता है। आधार वेरिफिकेशन कंप्लीटेड और आधार नंबर दिस वन एग्जिस्ट, यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दोस्तों ये पता चल जाता है कि जो आधार कार्ड नंबर मैंने डाला है या जिस मेंबर का मैंने डाला है वो आधार कार्ड नंबर एग्जिस्ट है। अगर उसने फ्रॉड किया होगा या फेक दिया होगा तो वो आधार कार्ड नंबर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक यूनिक नंबर होता है और एक ही एक मेंबर का आधार कार्ड बनता है, मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी आप लोगों को बताया। तो सबसे पहला देखिए मैं अपने आधार कार्ड के बारे में बता रहा हूँ कि जो मेरा आधार कार्ड है वो एग्जिस्ट करता है। इसके बाद देखिए चार तरह की डिटेल आपको यहाँ पे मिलती हैं। सबसे पहला एज बैंड, यानी कि कितने से कितने साल की उम्र का वो व्यक्ति है, तो मेरी उम्र है 30 से 40 के बीच में बिल्कुल। और उसका जेंडर क्या है, मेल है। स्टेट वो रहता कौन से स्टेट का है, हिमाचल प्रदेश का। कई बार क्या होता है हिमाचल प्रदेश का मेंबर दिल्ली में जाके रहता है तो दिल्ली का आधार कार्ड दे देता है या फेक बना के दे सकता है, लेकिन यहाँ से जो उस आधार कार्ड की डिटेल होंगी वो एक्चुअल ही मिलेंगी। इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आधार कार्ड आपको मिला है वो सही है कि गलत है, और आप अपने आधार कार्ड की भी डिटेल चेक कर सकते हैं। दूसरा चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखता है मोबाइल नंबर, तो सारे मोबाइल नंबर डिजिट नहीं दिखते हैं लेकिन लास्ट के 3 डिजिट जरूर आपको यहाँ पे दिखते हैं। लास्ट में 786, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 786, लास्ट के 3 डिजिट हैं, तो ये बिल्कुल जेन्युइन आधार कार्ड है। और दोस्तों यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं कि मैंने अपने आधार कार्ड के साथ में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक कराया है।
और अगर आप भूल गए तो आपको 3 नंबर लास्ट के डिजिट मिलेंगे यहाँ पे, आप पता कर सकते हो, उसी के ऊपर OTP आएगा। अगर आप नया पैन कार्ड बना रहे हो या कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहे हो या जो कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहे हो जिसपे आपको आधार कार्ड का OTP मिलना है बट आपको पता नहीं है कि कौन सा मोबाइल लिंक था, तो आप इस ऑप्शन के अंदर जाके अपना मोबाइल नंबर कौन सा था वो भी चेक कर सकते हो। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कमेंट करके बताएं अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं और इसको शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर सकें। और दोस्तों अगर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं होता है तो इट मीन्स आपके आधार कार्ड के साथ कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, आप नज़दीक वाले आधार कार्ड सेंटर पर जाएँ, अपना मोबाइल नंबर लिंक कराएँ। मैं अगली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप आधार कार्ड के लिए इनरोल कर सकते हैं, कौन सा फॉर्म लगता है, कैसे फिल होता है, कितने पैसे लगते हैं। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिया बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम पर मिल सकें। और दोस्तों एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मैं अपने थ्रू 200 से भी ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूँ, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न्स, GST रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, यूनिवर्सिटी कोर्सेज, अकाउंटिंग कोर्सेज और ऑडिट रिपोर्ट्स, प्रोजेक्टेड रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट और बहुत सारी सर्विसेज। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।